क्या हुआ भैया, आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, आज का अखबार ढूंढ रहा हूँ। मेरे दोस्त कह रहे कि पूरा भरा पड़ा है हॉकी मैच की खबर से। अब स्वामी विवेकानंद कॉलेज की 30 साल की हिस्ट्री में ऐसा दिन पहली बार आ रहा है कि ये लोग नेशनल लेवल क्वालिफाई कर जाएं। भाई है कहाँ आज का अखबार, जरा देखिए तो सही। अरे सारे काम घर बैठे बैठे नहीं होते, अखबार अखबार छोड़ो और चलकर लाइव टेलीकास्ट देखो स्वामी विवेकानंद कॉलेज की फील्ड में। पता है, मैं तो अपनी गर्ल्स को फुल ऑन चीयर करने वाली हूँ। जरा सोचो, इतने सारे लोग, सॉलिड सस्पेंस और भयानक कंपटीशन, इट्स गोना बी सो एक्साइटिंग। आज मैच नहीं, महा मैच होने वाला है, चलोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगा। कौन कहाँ चल रहा है, जरा हमें भी तो पता चले। मौसी जी, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। पता है, पूरे कॉलेज में सिर्फ मैच का ही टॉपिक है। क्लास, कॉरिडोर, कैंटीन, हर जगह सब लोग सिर्फ मैच ही डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट लोगों ने तो शर्त भी लगा ली है कि हम लोग कितने गोल से जीतेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। हमने प्लान कर लिया कि हम लोग ना स्वामी विवेकानंद कॉलेज को बहुत अच्छे से चीयर करेंगे। ओह एंड हाँ, मौसी जी, मैं आपको बताना भूल गई, रचना की ना रिप्लेसमेंट मिल गई है। अच्छा, काफी अच्छी है। राजीव सर ना उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इनफैक्ट वो खुद उसे पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं। एंड शी इज अ गुड प्लेयर, आई एम श्योर। देखना, वो ना मैच में छा जाएगी। और हाँ, आज का मैच एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रूशियल है। जोनल सेलेक्टर्स आ रहे हैं। गुंजन, मैं भी ये मैच देखने चल रहा हूँ। हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। और देखना गुंजन दीदी, अपनी सुपर पावर से आपकी टीम को जितवा देंगे। तुम सबकी बातें सुनकर हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी मैच देखने चलना चाहिए।